लीजा, लीजा, परी, परी, अंबर, अंबर, अंबर तो है ही नहीं टीम में। नहीं नहीं है टीम में, वो आएगी। अगर अंबर ना आई तो ये वोट जाया हो जाएगा। अंबर अगेन, परी, परी, अंबर, लीजा, अंबर, तो गाइस अब ये लास्ट वोट है। जो भी नाम इस पे होगा तो आप सबका कप्तान होगा। ओके, अंबर, अंबर कैप्टन। तुम्हें क्या लगता था लीजा, तुम हमें खरीद लोगी? शर्म कावा लीजा, ये पकड़ो लीजा। अंबर, 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 लीजे। लीजे। किट्स, बॉल, पैड्स, ग्लव्स, जूते, अगर जूते ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये बाकी सब तुमने ज़रूर अरेंज करना है। और नोट? वो भी तुम्हें अरेंज करने, तुम मैनेजर हो, तुम ही लगाओगी और तुम ही कमाओगी। और लगाते लगाते मेरी लग जाएगी? नहीं लगती, टेंशन ना लो। अच्छा, और हाँ याद आया, जो ज़िंदगी कप टूर्नामेंट है ना उसमें रजिस्ट्रेशन करानी है, और कोई फ़ीस हुई तो वो भी तुम्हें जमा करानी है, ठीक है? और पाकिस्तान और इंडिया की सुलह भी मैं करवा दूँ? देख लो अगर हो सकती है तो। तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है, तुमने कब से टेंशन लेना शुरू कर दिया? तुमने मुझे टेंशन देना शुरू की है। कुछ करती हूँ, कोई मुर्गा ढूंढना पड़ेगा। जब कप्तान की शादी हो रही हो और कोच की ना हो रही हो ना तो यही होता है। ओह, कैच पकड़ नहीं जाते, दूल्हा पकड़ेंगी ये। सीन ऑफ है, आधी ज्यादा लड़कियों ने कभी हार्ड बॉल को टच भी नहीं किया। सीन तो वाकई ऑफ है, लड़कियों ने हार्ड बॉल से खेला ही नहीं है। पता है क्या मसला, ये है कि जुनेद के पास टाइम नहीं है, वो हमें नहीं ट्रेन कर सकता इतनी देर तक, स्ट्रैटेजी में हेल्प कर सकता है। हमें कोच करना पड़ेगा, कोई तो नया कोच ढूंढना पड़ेगा। ओए, तुम लोगों में से कोई किसी कोच को जानता है? फरीबा जी, मैं पापा से बात करके देखूं, वो जरूर किसी को जानते होंगे। ठीक है सैमी, कोच अब तुम्हीं ने अरेंज करना है, ठीक है? मैंने तो सिर्फ बात करने का कहा। क्या मतलब तुम्हारा बात करने का था? नहीं, मैं कर लूंगी फरीबा जी, ठीक है? ठीक है, सही है, डन है। ओह किड्स, अंबर वो आ रही है, उसे लाजमी खिलाना है, तो रब का पत्ता है वो। अंबर को कन्विंस करना पड़ेगा, मुश्किल है। चलो कुछ करते हैं। वो कहाँ गई? लीजा कहाँ भागी? यही तो थी। और जुनेद भी चला गया। लीजा,
Everybody hates me, Dad. मैं उनकी आंखों में देख सकती हूँ. What's done is done. अब जाओ and control the damage. मैं खेलती नहीं हूँ. No, you have to play. क्यों? There's too much online now. People are watching. Very important people. Dad, आपने क्या plan किया है? कौन important people? Scouts, investors, media, everyone. And my reputation is also on stake now. वैसे फरी की दांत तो बनती है. आजादी कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में लड़कों के अगेंस्ट खेल, इसका तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था. व्हाट एन इंजीनियस आइडिया. इस टीम में जो भी शाइन करेगा ना वो स्टार होगा. एंड लीजा, आई वांट यू टू बी दैट स्टार. और अगर शाइन ना कर सकी तो फिर वो टीम जीतनी नहीं चाहिए. डिस्ट्रॉय इट. Dad, why are you doing this? I'm doing this for you, for us. Our company is not doing too well. I made some bad investments. Directors ab mujhe nikalne ki koshish kar rahe hain us company pe jis pe mera naam hai aur jiski wajah se Junaid ka baap mera phone nahi utha raha. एक बार तुम और जुनैद ग्रीन शर्ट्स पहन लो, गेट मैरिड एंड बिकम द फेस ऑफ इखलाक स्पोर्ट्स, फिर मैं इन सबको देख लूंगा और ये ज़हीर मलिक को भी. डैड, आप अपना बदला लेने के लिए मेरी और जुनैद की शादी करवाना चाहते हैं? दिस इज सो सेल्फिश. आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? How bad is it? Dad, मैंने पूछा how bad is it? It's bad. We might lose everything. Business, ये घर, सब कुछ. लीजे बीबी, बाहर जुनेद साहब आए. मुझे नहीं मिलना उसे, कहीं मैं सो रही हूँ. जाके इसको ड्राइंग रूम में बैठा और आके टेबल साफ कर लो. जाओ. बेहतर सर. लीजा, जाके मिलो उसको, बट डोंट टेल हिम एनीथिंग. और थोड़ा फासला रखना उससे, उसकी डेस्परेशन और बढ़ेगी. जाओ. I really love him, Dad. लेकिन आपने उसे एक बिजनेस बना के रख दिया है. गुड, लगता है पहली बार आया हूँ इस घर में. डिमोशन हो गई है, दोस्त से सीधा गेस्ट. जुनैद, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ चाहिए ही होता है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ? क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? तुमसे बात कर रहा हूँ लीजा. कुछ नहीं यार, इट्स जस्ट दैट बहुत स्ट्रेस में हूँ. स्ट्रेस में हो? ओके. मुझसे भी ज्यादा स्ट्रेस में हो. पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ. शक्ल देखिए मेरी. फरी चेयरिंग यू अप. आई सॉ दैट. गॉड, फिर फरी. फरी तुम्हारे सर पे सवार हो गई.
यार मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल के अंदर? Are you jealous of her? अपने घर जाओ यार। नहीं जा रहा मैं अपने घर यार, पहले तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिल के अंदर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं। तुम वो लीजिए जिसको मैं पसंद करता था, या जिसको मैं दिली दिल में एडमायर करता था, या तुम ये हो, तुम वो कौन? मुझे खुद भी नहीं पता। सवाल तो ये कि उन्होंने मुझे अपना कैप्टन कैसे बना दिया। सवाल ये कि उन्होंने मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया। फंसा दिया ना तुमने मुझे, हमेशा डबल माइंडेड करती हो। ओए मेरे ऊपर से क्यों गुजरी हो? मैं तुम्हें डबल माइंडेड नहीं करती हूँ, वो तुम्हारा बचपन का मसला है। अब तो आना पड़ेगा तुम्हें, कल से आ जाना। पागल हो गई हो तुम, मैं कैसे आऊंगी? अम्मा अब्बा को पता लग गया तो? और सब छोड़ो, जुहेब की फैमिली को पता लग गया तो? एक महीने में शादी है फरी मेरी। अब्बा को मैं कन्विंस कर लूंगी तो अम्मा का मसला खत्म हो जाएगा। जुहेब के फैमिली को कैसे पता लगेगा मुझे ये बताओ तुम। और जहां तक रही तुम्हारी शादी की तैयारियों की बात, वो सब हो चुकी है, ऑर्डर्स भी जा चुके हैं। कुछ और? क्यों भाई स्किपर, कर दिया ना लाजवाब। आ जाना कल से। मेरे में क्या कमी थी जो मुझे कैप्टन नहीं बनाया इन्होंने? गॉड से लीजे, तुम क्या कर रही हो यार? पहले फरी को ना बुलाना, फिर कैप्टन बनने के लिए वोट्स खरीदना। तुम ऐसी तो कभी भी नहीं थी। लीजे, डू यू रियली लव मी? मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अब आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आइडियाज में नहीं, बंदों में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं भी। तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होते होंगे आप। थोड़ी जलन हुई पर टूशे, आप सब इंस्पेक्टर नहीं, आप नाकामियों के आईजी हैं। आईजी जो ख्वाब टूटने का दर्द होता है ना, वो हमें उसमें से खुद गुजरना पड़ेगा अगर आप हमें अभी नहीं सिखाएंगे। और उसके बाद इतना बोझ हो जाएगा आंखों पर ख्वाब टूटने का कि आंखें बंद करने में भी डर लगे। लीजा इधर आओ। बैठो बैठो। क्या कहा जुनेद? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स ऑल ऑफ माय बिजनेस। क्या कहा जुनेद ने? मेरी फीलिंग्स के बारे में जानना चाह रहा था। एंड मैंने कहा कि आई हैव नो फीलिंग्स फॉर हिम। जिस प्यार में सच्चाई और ऑनेस्टी ना हो वो प्यार नहीं होता। आपने तो प्यार को महज कारोबार बना के रख दिया है। आर यू लिसनिंग टू योरसेल्फ? डोंट बी सो चाइल्डिश। खुद को सुनती हूँ तो आपकी आवाज आती है डैड। मुझे तो आज पता चल रहा है कि मेरी अपनी कोई आवाज कोई से थी नहीं। This is ridiculous. तुम अपने फ्यूचर के साथ खेल रही हो। Get in line, वरना हम तबाह हो जाएंगे। अपने फ्यूचर को मेरे फ्यूचर से अटैच ना करें। आपकी सेल्फिशनेस ऑलरेडी मेरे फ्यूचर का गला घोंट चुकी है और मेरा भी। So I don't care anymore. और भाई स्किपर, रेडी हो फिर? ओए
मैं तुम्हारी कोई स्किपर स्किपर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा इजी हो जाओ, वैसे भी आज कोच ढूंढने जाना है, प्रैक्टिस कल से आना। परी मुझे पढ़ने दो। कितनी दफा पढ़ोगी, अब तक तो हिफ्ज हो जानी चाहिए। जब भी कोई मुश्किल फैसला आता है ना मेरे पास जिंदगी में, तो मैं यही पढ़ती हूँ। कौन सा मुश्किल फैसला आ गया? हमू यही कि मैं तुम्हारे साथ टीम ज्वाइन करूं या ना करूं। तुम कम से कम कंसिडर तो कर रही हो। पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो, कोई मसला नहीं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Because of the possibility that might form कल तक खत्म हो जाएगी। पर ये तुम इस तरह बोलती रहोगी ना तो नहीं खत्म होगी। तुम्हारे लिए कोई दूध बादाम कुछ लेकर आऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है। कुछ है, एक काम है। क्या काम है? पहले आप वादा करें गुस्सा नहीं करेंगे। पहले तुम बताओ काम किसका है। पहले आप वादा करें कि गुस्सा नहीं करेंगे। तुम्हें फरी ने कोई और हुक्म दिया है? फरीबा जी दोस्त है मेरी, पापा हुक्म नहीं देती, प्यार से पूछती है मुझसे। आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगी। सैमी अच्छा बताओ काम क्या है? हमें एक कोच चाहिए हमारी टीम को। कोच? क्रिकेट कोच तुम लोगों के लिए? हाँ। सैमी मैं एक मामूली सा माली हूं, अरे क्रिकेट कोच कहां से ला सकता हूं? कोच क्या दरख्तों पे लगते हैं? ग्राउंड में तो होते हैं ना, और आप भी ग्राउंड में होते हैं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। अच्छा एक कोच को मैं जानता हूं, नहीं जानता था, लेकिन क्या कि जहां तक मुझे याद पड़ता है उसने कोचिंग छोड़ दी थी। तो फिर हम आने किस काम का? कोई भी अच्छा एक्टिव कोच आपको कभी नहीं सिखाएगा, ये भी मिल जाए ना गनीमत जानो। अच्छा कैसे हैं वो, अच्छे हैं? कोच तो बहुत अच्छा है लेकिन गुस्सा उसका गजबनाक, ट्रेनिंग अजियतनाक और तरीके उसके वखरे तफ्तीशनाक। कोई भी उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और जो ठहर जाए ना वो ट्रेनिंग के बाद इंसान का पुत्र बन जाता था। तो फिर उन्होंने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? पता नहीं जी, वो ना थोड़ा सा था, वो आगे था वक्त पीछे, वो सिस्टम को बदलना चाहता था जी, और सिस्टम उसे, अल्लाह जाने फिर क्या हुआ जी, किसने किसको बदला, फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। अब कासिम भाई की बात तो नहीं कर रहे? हाँ जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं उसे? बस किस्से ही सुने, किस्सों से तो बहुत कोई लेजिट आदमी लगते हैं। बहुत ही गुस्से वाला आदमी है जी, अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन उससे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक आदमी है जो उसे जानता होगा। कौन? चल चल सैमी।
ये नहीं है, यही है, यही है। मैं शक्ल देख के पहचान लेती हूँ सैमी, ये नहीं है। आप शक्ल देख के पहचान लेती हैं? हाँ। आप तो कितने टाइम तक मुझे अमीर कबीर बनाती रही थी, आप शक्ल पहचानने में बिल्कुल जीरो हैं। देख लेते हैं कहाँ गई तुम्हारी मासूमियत, कितनी मासूम होती थी तुम। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। आओ काकियो, नींबू वाला पियोगी या बगैर नींबू के? नींबू वाला। बोल बैठो, अब बना पुत्र दो ग्लास, ला ग्लास दो। क्या याद करा दिया, क्रिकेट खेलते हो? अच्छा अच्छा, फिर तुम्हारे लिए आज जूस मुफ्त। किन्ने साल पुरानी बात है ना, वो एक मुंडा आंदा सी थे, बड़ा शौक सी उन क्रिकेट खेडन दा, मैं उन्हों रोटी शोटी खवा देना सा। लो शुक्रिया। पैसे नहीं सन होंदे ओदे कोल, मैं मंगदा भी नहीं सा। आपे ही कहंदा सी चाचा जब मैं वड्डा खिलाड़ी बन जाऊंगा तो मैं तेरे सारे पैसे मोड़ दूंगा। तो फिर बना खिलाड़ी? ओ बड़ा वड्डा खिलाड़ी बनया। ओदो मेरे को मशीन नहीं सी, मैं किसी दी मशीन ते काम करना सा, ऐ मशीन मैंने उन्हें लेके दीती है। कौन था? अपना शैबी, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर? तो वो कहानी सच्ची है? हाँ। ओए उस तो बात मैं भी मशहूर हो गया। हुन ते शहर दे सारे क्रिकेट खेडन इत्थे आंदे ने मेरे कोल, पैसे मैं उन्हां कोलों भी नहीं लैंदा। तो बहुत अच्छा करते हैं। सुने? हाँ। फिर तो आप कोच कासिम को भी जानते होंगे? आहो बिल्कुल बिल्कुल जानना। जानते हैं? हाँ। आपको पता है किधर रहते हैं? ओए नेड़े ही रहता है, तब तुझे मिलना है, मैं अपने निकन नाल पे जंगा तन मिला देगा। हाँ। मैं बुलाना उन्हें। ओ काशी। थोड़ी लेके जा सकते हैं साहब, मिल गया ना कोच कासिम? मैंने कहा था ना यही है। जूस खत्म करो, एक ही सांस में कर सकती हो? सर 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 आप फिकर ही ना करें सर, सर अभी नेक्स्ट फिल्म आ रही है सर, आप उसमें हीरो हैं सर, मैं बता रहा हूँ, अभी सर फिल्मों पे फिल्में बना रहे सर, आप फिकर ना करें। अच्छा मेरे पास अभी लोग आए, आई विल कॉल यू बैक इन अ बिट। Hi. Hello. Have a seat. Oh, Naz. Yes. Achha. तो आप कह रही हैं कि अगर मैं आपकी टीम पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो IRK के लोगोस आपकी शर्ट्स पे होंगे, इज दैट करेक्ट? 10 लाख? 10 लाख में तो आपका लोफड़ा, मतलब कि आपका पूरा फेस चिपका दूंगी, ऐसी मार्केटिंग करूंगी कि नो, आई डोंट वांट दैट। मैंने सारी जिंदगी मार्केटिंग में गुजारी है, ये चूना लगाने की जरूरत नहीं मुझे, समझी? पक्के बिजनेसमैन लगते हैं आप। कच्चा होता तो आज बिजनेसमैन होता। बात आपने मुंह से निचोड़ ली बॉस। देखिए मैं आइडियाज में नहीं बंदों में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं भी। तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होते होंगे आपको। थोड़ी जलन हुई पर टूशे। आप में मुझे वैसे पोटेंशियल नजर आता है, अगर आप बोलने से ज्यादा सुनने पे गौर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा फिट सुनती हूँ। सॉरी। बट आई लाइक द आइडिया, ऑल गर्ल्स टीम इन अ बॉयज टूर्नामेंट, फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं इस पर।
वाह क्या आइडिया दिया है। क्या सोच रहे हैं आप? ना मेरे पार्टनर नहीं मानेंगे और मैं भी नहीं, लेकिन लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके ऊपर 2 लाख रुपए स्पॉन्सर कर सकता हूं। तो बिकॉज आई लाइक यू एंड आई लाइक यू कॉज, सारी जिंदगी मैं एक अंडरडॉग बन के फिरा हूं, आई लाइक अंडरडॉग्स लाइक यू। और ये पैसा, ये दौलत, ये अल्लाह की देने वाली चीज है, कभी आती है कभी जाती है। हर बिजनेस डील को मुनाफा सोच के नहीं क्लोज करना, याद रखना ये बात। रट लिया बॉस। और हाँ, उन 2 लाख में आना जाना खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है। वो तो सही है, पर देखें अगर आप इतनी स्मार्ट हैं जितनी मुझे दिखती हैं तो 2 लाख में आना जाना खाना पीना सब कुछ हो सकता है। दिस इज माई ऑफर, इधर टेक इट और लीव इट। टेक लिया बॉस, टेक लिया, एकदम टेक लिया। तो फिर जाइए और जाके अपनी टीम से बोले जीतने पर फोकस करें। जीतने का तो पता नहीं पर ट्राई पूरी माननी नहीं, नहीं। जीत 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 के आएंगे, जीत के आएंगे। वैसे अगर आप उतने ही चालू जितने आप शक्ल से लगते हैं तो हमारा पूरा टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर दें, आपका विन विन और वावा दोनों होगा। मस्त आइडिया है बॉस, और मस्त नाम भी बनेगा। वाह वाह। लीजा, लीजा, ये है प्रणाम। आ रहा हूं। वो हम शायद गलत एड्रेस पे आ गए हैं। तुम कैसी हो? आप कोच कासिम? सब इंस्पेक्टर कासिम। सॉरी, मेरा ख्याल है हम नाम भी मिक्सअप हो गए हैं। सॉरी। रुको 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 रुको, सही जगह पे आए हो तुम। मैं पहले कोच था, अब सब इंस्पेक्टर हूँ। बोलो क्या काम है? आप कोच हैं, हम गरीब सी लड़की हैं, एक गरीब सी क्रिकेट टीम बनाने हैं और हम चाहते हैं कि आप प्लीज हमें कोच कर दें। खुदा के वास्ते मना मत करिएगा प्लीज। रिजेक्टेड। किसने भेजा है तुम लोगों को? मेरे पापा ने। तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं पहले कोचिंग करता था, अब नहीं? कोच तो आप अभी भी हैं। प्लीज देखें, हमारा सामने आजादी टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए आप हमें प्लीज थोड़े दिन के लिए कोच कर दें प्लीज। आजादी टूर्नामेंट में लड़कियां कब से खेलने लग गई? नो सर, मुकाबले में तो सारे लड़के हैं, सिर्फ हम लड़कियां हैं। अच्छा, शाबाश शाबाश। तुम लोगों की बेवकूफी या बहादुरी की मैं दाद दूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी मैं जो प्रैक्टिस कराता हूँ ना, वो रगड़ा तो लड़के बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम तो मासूम लड़कियां हो। हम मासूम लड़कियां होंगी लेकिन लड़कों से कम नहीं बल्कि ज्यादा हैं। हमारे कोई नखरे नहीं है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। मर जाओगी मेरे हाथों। मरने ही तो आए हैं, आप अगर कहेंगे तो कुएं में पीछे नांग मार देंगे। बस करो, बस करो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं काम छोड़ चुका हूँ। चलो जाओ। एक दफा सोच तो ले, एक इतनी सोच। चले चले चले। मैंने कहा था ना मुश्किल है, मानेगा नहीं। कोई और तरीका है अंकल?
वो पिच देख रहे हो आप, मट्टी है पर ऊपर से बिल्कुल पत्थर, थोड़ा खेलो उस पे जाग जाएगी। सर कासिम ऊपर से सख्त, अंदर से बिल्कुल मोम है, बड़ा झांक के देखो आप। कल फिर जाएंगे। चलें फिर, कोशिश करें। तुम लोग फिर आ गए, मैंने तुम लोग को मना किया था ना, चलो जाओ यहाँ से। आप भी तो घर पर हैं। मैं OSD हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वो बात और है कि वहाँ भी मैं सिर्फ मक्खियाँ मारता हूँ। इसका मतलब है आपके पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम है मेरे पास, लेकिन कोचिंग के लिए टाइम नहीं है। क्यों, डर लगता है? ए लड़की की जबान संभाल के बात करो। डर लगता है? अंदाजा है मुझे, आप सब इंस्पेक्टर नहीं, आप नाकामियों के IG हैं। IG क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन सके तो कोचिंग शुरू कर दी, कोचिंग ठीक नहीं चली तो इंस्पेक्टर बन गए। जो ख्वाब टूटने का दर्द होता है ना, वो हमें उसमें से खुद गुजरना पड़ेगा अगर आप हमें अभी नहीं सिखाएंगे तो। और उसके बाद इतना बोझ हो जाएगा आंखों पे ख्वाब टूटने का कि आंखें बंद करने में भी डर लगेगा। इसलिए खुदा का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है कि आप हमें कोचिंग कर दें प्लीज। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, चलो जाओ यहाँ से। क्या नाम क्या है तुम्हारा? फरीन अख्तर। और तुम्हारा? मेरा नाम सैमी है। सैमी, चलो। हमारा एक ग्राउंडमैन होता था सिकंदर नाम का, उसकी भी एक बेटी थी प्यारी सी तुम्हारी तरह की, सैमी नाम की। जब वो पैदा हुई थी ना तो उसकी माँ मर गई थी। तुम्हारे अब्बू का नाम सिकंदर है ना, ये वही तो है। तुम सिकंदर की बेटी हो? हाँ जी। सैमी, अच्छा सिकंदर ने मेरा बताया तुम लोग को है, तो अब तो रिश्तेदारी भी निकल आई है। क्या कहते हैं फिर? प्लीज खुदा के लिए, खुदा के वास्ते हमारी कोचिंग कर ले। बस करो ड्रामा। जाओ। मान गए। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। ओके कोच। क्या हुआ? कोच कासिम पिघल तो गए लेकिन माने नहीं है। सख्त लौंडा पिघल ही नहीं रहा, लेकिन हम कल फिर जाएंगे, ठीक है? टीम को बुलाओ, टूर्नामेंट करीब है। मैं बुलाऊं? यानी मैं कैप्टन हूं? तो जब अंबर नहीं आ रही तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी है ना। और लीजा? लीजा से बात नहीं हुई, आई है वो अपनी जॉगिंग करके चली गई है, मेरे से नहीं मिली। हैं? तुम भी नहीं मिले? खैरियत? इट्स कॉम्प्लिकेटेड, छोड़ो। आज तो करियाना बाजी भी नहीं आई। लो शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। शैतान बोल रही है मेरे को? नहीं तो शैतान नहीं, मेरी जान बोल के गले लगा ले मेरे को। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, डब्बे में गए। गुड न्यूज बैड न्यूज, पहले क्या सुनेगी? पैन खुदा के वास्ते गुड न्यूज सुनाई, बहुत बैड न्यूज सुन ली। गुड न्यूज ये है कि इस डब्बे में बड़ी फिट फिट चीजें, बैट बॉल हेलमेट ग्लव्स सब स्पॉन्सर हो गया है, किटों के ऑर्डर भी डाल दिए मैंने, फिट है ना? ये तो सब कुछ है, ये सब कहाँ से आया? एक मेंढक घेरा है पर वो मेरा मेंढक है। तू पैसे की टेंशन ना ले, अब सिर्फ जीतने की टेंशन ले। वाह भाई किरयाना, ऐसा मेंढक मेरे लिए भी ढूंढ दो, मेरी भी मैनेजर बन जाओ यार। बैठ के डिस्कशन मारते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बहुत सीरियस होता है समझा, बिजनेस इज बिजनेस। आए हाय। अच्छा चलो, बैड न्यूज़ बताओ। बैड न्यूज़ ये है कि मैं तेरे आज़ादी कप के ऑफिस गई थी और अंकल बड़ा ऊपर ऊपर से आ रहा था, कह रहा था कि लड़कियाँ नहीं खेल सकती, आज तक नहीं खेली। अबे यार, पर तू टेंशन ना ले,
क्रिकेट का धंधा मुझे आहिस्ता से समझ आने लग गया है। तू बस तैयारी कर, अंकल को भी बोतल में उतार लेंगे। ठीक है, और देखो क्या क्या है यार। खत्म नहीं हुई तुम्हारी वो कभी तक? कितनी रहती है? अच्छा भाई अच्छा, पढ़ो पढ़ो, खत्म होनी भी नहीं है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।